हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज हम जो है पेपर पे सबसे पहले कटिंग करेंगे एंड देन ब्लाउज़ पीस भी कटिंग करके उसकी स्टिचिंग भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए हम पेपर कटिंग करते हैं। उसके लिए देखिए, ये मैंने मेजरमेंट लिया। लेंथ हमारी 13 है, चेस्ट 34 है, वेस्ट 28 है, शोल्डर 11 है, नेक फ्रंट का और बैक का और स्लीव्स की लंबाई और गोलाई इस तरह से हमने ली हुई है। तो स्लीव्स की कटिंग भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने पेपर को जो है इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हम जो है इसके ऊपर जो है सबसे पहले लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारी 13 है, तो हम उसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे। तो 14.5 पर मैंने जो है यहाँ पर एक निशान लगाया है और सेंटर से भी मैं एक 14.5 पर निशान लगाऊंगी और वहाँ पर जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी ताकि हमें ऊपर की मार्किंग करते हुए आसानी हो सके। और ये नीचे का जो एक्स्ट्रा पेपर है वो मैं अभी कट कर लूँगी। तो इस तरह से जो है ये हमारी परफेक्ट लेंथ हो चुकी है अभी रेडी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ सबसे पहले जो है मेजरमेंट लेना है। तो हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर हमारा 11 इंच है, तो उसका हमें यहाँ पर क्या करना है, हाफ लेना है। तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और हमारा आर्म होल भी 5.5 है तो उसके ऊपर भी मैं एक निशान लगाऊंगी और वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट लेंगे, चेस्ट का 1/4, चेस्ट 34 है तो उसका 1/4 8.5 हो गया। तो यहाँ पर जो है वो मैंने 8.5 पर एक निशान लगाया और वहाँ पर हमने 2 इंच की मार्जिन दे दी और यहाँ से भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब नीचे की तरफ आना है आपको। नीचे की तरफ हमारी वेस्ट का साइज, वेस्ट हमारे 28 है तो उसका 1/4 हो गया 7 इंच, तो 7 इंच पर एक मार्क दे दिया। 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर भी हम जो है वो 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। अब इन पॉइंट्स को जो है हमें इस तरह से एक लाइन में जोड़ लेना है दोनों पॉइंट्स को, ताकि जब हम कटिंग करें तो उसकी कटिंग जो है वो प्रॉपर आ सके। इस तरह से हमने लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद हम आर्म होल देंगे, तो 1.5 इंच पर हम बैक आर्म होल देंगे, वहीं से 1/2 इंच की दूरी पर भी हम फ्रंट आर्म होल का शेप इस तरह से दे देंगे और हमें इसे क्या करना है, गोलाई शेप में दे देना है इस तरह से। ये फ्रंट का आर्म होल थोड़ा सा अलग होता है, तो ये हम 1/2 इंच बाहर की तरफ से लेकर 1/2 इंच यहाँ से नीचे लेकर इस तरह से इसकी गोलाई में राउंड दे ड्राइंग दे देंगे। उसके बाद हम गले की विड्थ लेंगे, तो गला जो है हम 34 साइज़ की बना रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो गला 2.5 इंच रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ से नीचे की तरफ मैं 6 इंच रखूँगी, आप अपने अकॉर्डिंगली जितना चाहिए आपको उतना विड्थ ले सकते हैं। और वहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लूँगी इस तरह से, ताकि मैं कोई भी शेप दूँ तो उसका शेप जो है वो परफेक्ट आ सके। तो फिलहाल मैं यहाँ पर गोलाई शेप दे दूँगी इस तरह से, क्योंकि फ्रंट की तरफ कटोरी ब्लाउज में ज़्यादातर डिज़ाइंस होते नहीं हैं। इस तरह से जो है हमारी यहाँ तक की जो है वो मेजरमेंट्स हो चुकी है। अब हम नीचे का बेल्ट देंगे, तो यहाँ से 3.5 इंच की दूरी पर और 2.5 इंच की दूरी पर आपको 2 निशान देने हैं इस तरफ और उस तरफ जो है यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान दे देना है और वहाँ पर 2.5 इंच के जो पॉइंट्स है उन्हें हमें मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लेना है अभी हमें। तो देखिए इस तरह से जो है इसका सेंटर आता है 4.25 पे, तो इस तरह से हमें यहाँ पर बेल्ट का शेप दे देना है, जो ये हमारी कटोरी के नीचे का बेल्ट हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा बेल्ट हो गया। उसके बाद हम कटोरी का नाप दे देंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ से जो है वो 5.25 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे, आर्म होल्स के बीच से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और हमारी चेस्ट जो है वो यहाँ पर से जो है हम 5.25 इंच पर और एक निशान लगाएंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स को जो है इस तरह से जॉइंट कर देंगे, तो ये हमारी कटोरी का शेप जो है बनकर रेडी हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारी सारी मेजरमेंट्स जो है वो हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, बैक का पार्ट
अलग कर देंगे हम थोड़े कट करके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से ये पॉइंट्स कट करने के बाद बैक आर्म होल कट कर लेंगे और बैक का पार्ट जो है वो अलग कर देंगे, क्योंकि बैक का पार्ट जो है वो हम बाद में बनाएंगे। तो फिलहाल हमें यहाँ पर कटोरी का बनाना है, तो इसलिए ये बैक पार्ट हम बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है बेल्ट कट कर लेना है, इस तरह से हम बेल्ट कट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो गला कट कर लेंगे इस तरह से। अब जो है वो हम फ्रंट का आर्म होल्स कट कर लेंगे। एंड देन जो है वो हम इस तरह से यह हमारी कटोरी कट कर लेंगे। तो देखिए ये फ्रंट का पार्ट हो गया और ये हमारा जो है वो बैक का पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। सिर्फ वहाँ हमें वहाँ क्या कर लेना है, गला बना लेना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हम आधा इंच कट कर लेंगे, क्योंकि बैक का पार्ट जो फ्रंट के पार्ट से आधा इंच कम होता है या आधा इंच कम ही रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 14 पर निशान लगाकर आधा इंच कट कर लिया। अब हम गले की शेप दे देंगे। तो गला देखिए, ये हमने फ्रंट की तरफ 2.5 इंच लिया था, तो यहाँ पर भी हम जो है वो 2.5 इंच लेंगे। और नीचे की तरफ जो है हमारा गला वो है वो 9 इंच है, तो मैं यहाँ पर 9 इंच रखूँगी और यहाँ से भी 2.5 इंच लूँगी और यहाँ पर एक स्ट्राइट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी शेप दे सकते थे, फिलहाल मैं इस तरह से एक राउंड शेप में बोर्ड शेप दे दूँगी। और यहाँ पर अभी हम टक्स के निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 4 इंच और ऊपर की तरफ 4.5 इंच पर आपको एक निशान लगा लेना है। और टक्स के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो दोनों साइड हमें आधा आधा इंच लेकर इस तरह से ट्रायंगल शेप बना लेना है। देखिए ये इस तरह से। और वहाँ पर जो है वह एक कट्स लगा लेना है बीचों बीच, ताकि हमें दोनों साइड जो है वो टक्स के पॉइंट्स से हमें टक्स लगाना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से ये फ्रंट का पार्ट ये एंड ये बैक का पार्ट जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। लेकिन अभी हमारी कटोरी रेडी नहीं हुई है, तो अब हम कटोरी की मार्किंग करेंगे एंड इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको एक स्क्वायर पीस का पीस लेना है पेपर का, उसके ऊपर जो है आपको कटोरी ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। क्योंकि कटोरी जो हम पेपर में कट करते हैं उसके मेजरमेंट थोड़े बढ़ा कर हमें उसकी फिर से कटिंग करनी होती है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अभी इस तरह से हमें एक पेपर में इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद हम थोड़े से मेजरमेंट इसमें बढ़ा लेंगे। तो हमें क्या करना है, दोनों साइड जो है नीचे की तरफ इस साइड हमें 1.25 इंच बढ़ा लेना है और इस साइड भी हमें जो है वो 1.25 इंच बढ़ा लेना है। यहाँ से हमारी यहाँ तक की मेजरमेंट जो 4.25 आती है, यहाँ पर भी हम 4.25 पर एक निशान लगाएंगे। और वहाँ पर इसकी ट्रायंगल शेप देकर ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, और इस साइड भी ये लाइन दे देंगे। अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ राउंड शेप इसी तरह आधा इंच बढ़ाकर वहाँ पर जो है इस तरह से ये पॉइंट्स राउंड में आकर यहाँ तक जॉइंट कर लेना है। ये यहाँ तक की हो गई। अब हम नीचे की मार्किंग करेंगे। तो ये जो लाइंस हमने बनाई है इसका यहाँ पे हमें सेंटर निकाल लेना है, तो वो 4 इंच आता है। तो नीचे की तरफ आपको क्या कर लेना है, ऊपर की तरफ आपको 1 इंच पर निशान लगाना है और नीचे की तरफ जो है आपको 1.5 इंच पर निशान लगाना है। और ये पॉइंट जो है हम फिर से ट्रायंगल में जॉइंट कर लेंगे। अब हमें टक्स के लिए निशान लगाना है, तो यहाँ पर 1.25 इंच और इस साइड हमें 1.25 इंच लगाकर मार्किंग देकर यहाँ पर ट्रायंगल शेप बनाकर इसकी जो है टक्स का ये पॉइंट हो गया कटोरी का। तो इस तरह से ये हमारी कटोरी का शेप एंड ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो बाहर के जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमने मार्किंग दी हुई है, उस तरह से आपको परफेक्ट शेप में जो है वो कटोरी कट कर लेनी है। तो देखिए यह हमारी कटोरी का जो है वो कटोरी जो है हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है सबसे पहले इस तरह से देखिए। और यहाँ पर 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए हमें जो है वो कट कर लेना है।
क्योंकि हम जो है वो टक्स ऊपर के हिस्से में लगाएंगे तो ये आधा इंच हमारा मार्जिन रह जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट एंड बैक का पार्ट जो है वो रेडी हो गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले स्लीव्स कटिंग करने के लिए इस तरह से मैंने पेपर लिया है, तो हमारी स्लीव्स की लेंथ एंड गोलाई जितनी है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारी लेंथ जो है वो 5 इंच है, हम इसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यह इस तरफ जो है हमारी गोलाई जो है स्लीव्स की वो 6 इंच है, सॉरी 12 इंच है, लेकिन हम उसका हाफ लेंगे यहाँ पर, तो उसका हाफ हम लेंगे यहाँ पर 6 इंच। और इसमें जो है हम इसमें भी ऐड करेंगे, तो इसमें हमने 2.5 इंच ऐड कर लिया है। तो जिस तरह यहाँ पर हमने मार्किंग दी हुई थी 5 इंच और 1.5 इंच, इसी तरह हम यहाँ पर भी 5 इंच और 1.5 इंच मार्किंग देकर जो है हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस वाले कॉर्नर से हमें जो है वो यहाँ से, तो यहाँ से हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगाकर वहीं से नीचे की तरफ जो है वो हमें 1.5 इंच पर एक निशान और लगाना है और वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, 6 इंच पर एक निशान लगाना है जो कि हमारी गोलाई है, और वहाँ से 1.5 इंच पर फिर से एक निशान लगाना है जो कि हमारा मार्जिन रहेगा, और इन दोनों पॉइंट्स को जो है हमें जॉइंट कर लेना है। और इस साइड जो है वो हम हमारी स्लीव्स की शेप दे देंगे। तो ये हमारा बैक का स्लीव्स हो गया और ये हमारी फ्रंट की, इस तरह से स्लीव्स का शेप हमें दे दिया है। अब हम इस जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक का कर लिया, अब जो है वो हम फ्रंट की करेंगे। तो इस तरह से, तो ये स्लीव जो है हमारी वो बनकर रेडी हो चुकी है। हमारे सभी पार्ट जो है वो उसकी पेपर कटिंग हो गई है। तो यही सेम प्रोसेस हम लाइनिंग के हमारे ब्लाउज़ के कपड़े पर करेंगे। इस तरह से ये फ्रंट का, बैक का एंड ये स्लीव्स, इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। अभी हम यही सेम प्रोसेस जो है वो ब्लाउज़ के लाइनिंग के कपड़े पर भी करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने पेपर कटिंग कर लिया है। अब हमने क्या किया है, अस्तर पर ये सारे पार्ट्स जो हमने कट करे थे वो सारे पार्ट्स हमने इसके ऊपर रख कर इसके हम ड्रॉ बनाएंगे, और फिर बाद में जो है इसके ऊपर रख कर ये भी हम कट करके अस्तर का और लाइनिंग का कपड़ा जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये हमने ज्वाइन कर लिया है। एक तरफ लाइनिंग का कपड़ा है, दूसरी तरफ हमारा ब्लाउज़ पीस है। तो इस तरह से सभी पार्ट्स अटैच कर लिए हैं। सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट बनाएंगे, तो इसलिए अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट का पार्ट बनाने के लिए जो हमारी कटोरी है, ये देखिए यहाँ पर हमें टक्स लगाने का पॉइंट जो छोड़ रखा था वहाँ पर हम सबसे पहले टक्स लगाएंगे। यहाँ पर 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे दोनों साइड, दोनों कटोरी हमें इसी तरह करनी है। एंड देन टक्स लगाने के बाद जो है इस कटोरी को हमें जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उससे जॉइंट कर लेना है। तो इससे दोनों सही साइड जो है दोनों वो एक तरफ रखते हुए इस तरह से इसे राउंड शेप में इस तरह से जो है यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक एक सिलाई लगा देनी है। तो जब हम पलटेंगे तो इस तरह से इसका लुक आएगा। तो ये इस साइड का हो गया, और इस साइड में हमें इसी तरह करना है। इस साइड हमें इस पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रख कर इसकी भी हमें जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एक सिलाई लगा देनी है। फिर ये भी पार्ट्स जो है हमारा ऊपर का, ये दोनों ये जो है वो बनकर रेडी हो जाएंगे। तो देखिए, ये हमने टक्स लगा लिए है इस साइड। देखिए, इस तरह से 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए टक्स लगा लिया है। और उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो स्टिच, इस तरह से स्टिच लगा ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे का बेल्ट जो होता है
वो अब हम अटैच करेंगे इसके नीचे। तो वो कैसे अटैच करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सिंपली हमें क्या करना है कि इस तरह से देखिए, ये इस तरह से मैंने जॉइंट कर लिया है। तो ये मैंने जॉइंट नहीं किया है ताकि आपको पता चले। तो इस तरह से जो सीधी साइड होती है वो हमें नीचे की साइड, वो हमें एक एक के ऊपर इस तरह से जो है कपड़ा रख कर सीधी साइड जो लाइन होती है नीचे की, वो पहले हमें अटैच कर लेना है, ताकि ऊपर का जो हिस्सा है वो हम कटोरी के साथ अटैच कर सके। तो इस तरह से जो है हमें ये दोनों पॉइंट्स अटैच करके यहाँ पर जो है वो इसकी स्टिचिंग लगा देनी है। वो कैसे लगाते हैं मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से जो है वो आपको इस तरह से पार्ट्स रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमने स्टिच लगाई है वो वाला पार्ट जो है वो नीचे की तरफ रखकर सीधी साइड को हम ये जो है वो ये अटैच करेंगे। तो कटोरी की साइड जो है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप पहले चाहे तो वहाँ पर एक स्टिच लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसे हम पूरी अच्छी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे एंड ये तीनों पार्ट मिलाकर वहाँ पर एक स्टिच लगा देंगे। और जो दो साइड हमारी ओपन है वहाँ से क्या करेंगे हम, बाहर की तरफ से कपड़ा निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें प्रॉपरली उसके अंदर रोल करके जो है वो हमारा पूरा पार्ट जो है उसके अंदर रखकर सिर्फ साइड्स के पार्ट लेना है और उसे वहाँ पर एक स्टिच लगानी है। तो नीचे बेल्ट के दो पार्ट हो गए, एक लाइनिंग का और एक ब्लाउज़ पीस का, और उसमें हम जो है हमारा कटोरी का एक ऐड करेंगे। तो इस तरह से जो है इसी पार्ट में भी आपको सेम इसी तरह कर लेना है। तो वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से जो है वो हमने नीचे की तरफ के दोनों जो है वो बेल्ट अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये बटन्स पट्टी आप कहते हैं हुक पट्टी, वो भी हम अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो हमारा लेफ़्ट साइड का होता है वो हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से पट्टी रखकर यहाँ पर एक स्टिच लगा देनी है और इसे पूरा पलट कर पीछे की तरफ इस तरह से लेकर जाना है, पलट कर पीछे की तरफ। और वहाँ पर जब हम इस तरह से स्टिच लगाकर पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी हमें एक फोल्ड अंदर करके वहाँ पर एक स्टिच लगाकर इसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी तरह से कर लेनी है। तो इस साइड जो राइट साइड का होता है उसकी थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर हम हुक लगाते हैं। तो इसे हम उल्टा रखेंगे इसके ऊपर और ये वाला पार्ट्स इस तरह से रखकर यहाँ पर पहले एक स्टिच लगाएंगे एंड देन उसे पलट कर जो है वो फ्रंट की तरफ लेकर आएंगे। इस तरह से जो हमने स्टिच लगा ली, उसके बाद आपको क्या करना है कि फ्रंट की तरफ उसे लेकर आना है और यहाँ से लेकर नीचे की तरफ जो है आपको बाहर की तरफ कपड़ा छोड़ देना है इस तरह से। और यहाँ पर भी आपको एक फोल्ड लगा लेना है और वहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से जितना कपड़ा हमने अंदर की तरफ छोड़ा है उतना ही हमें इस एक इंच बाहर की तरफ छोड़ते हुए वहाँ पर अपने बटन की पट्टी जो है वो जॉइंट करके इस तरह से यहाँ की भी फिनिशिंग आपको कर लेना है। तो देखिए ये इस तरह से हमने जो है वो जॉइंट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, गले की फिनिशिंग करेंगे। तो उसकी पाइपिंग करना है, तो सिंपली मैं आपको दिखा नहीं सकती वीडियो में कि किस तरह करना है। तो वो बहुत ईजी होता है, तो आप वो पाइपिंग जो है वो लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो है वो मैंने पाइपिंग लगा ली है यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैक का पार्ट लेंगे। तो वो मैंने पहले से ही तैयार करके रखा था, इस तरह से इसकी डिज़ाइन मैंने बनाई है। अगर आपको ये डिज़ाइन देखना है तो उसका भी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में दे दूँगी। तो इसे इसके पार्ट में दोनों सीधी साइड एक तरफ करके हमें सबसे पहले जो है वो शोल्डर्स अटैच कर लेना है इस तरह से। इस तरह जो है शोल्डर्स हमें अटैच कर लेना है आधा इंच की दूरी पर। तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर्स अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स भी जो है हमने पहले ही पेपर कटिंग उसका कर लिया था, उसके बाद हमने लाइनिंग का और ब्लाउज़ का कपड़ा जोड़कर इस तरह से जो है वो स्लीव्स भी तैयार कर लिए थे। तो अब हमें क्या करना है, स्लीव्स अटैच कर लेना है इस तरह से। तो देखिए वो कैसे अटैच करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें स्लीव को इस तरह सेंटर से फोल्ड कर लेना है
एंड फोल्ड करने के बाद इस तरह से उसे अपने शोल्डर पर रखकर हाफ इंच की मार्जिन रखते हुए इस साइड पहले एक स्टिच लगा लेनी है एंड देन इस साइड आपको एक स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से आधा आधा ही आपको लगाना है ताकि आपकी आर्म्स में खिंचावपन ना आ सके। तो इसी तरह हमें दूसरी स्लीव भी इसी तरह हमें आधा आधा करके शोल्डर से अटैच कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर और आधा जो है वो इस तरह से यहाँ पर, इस तरह से जो है हम शोल्डर्स अटैच कर लेंगे, सॉरी स्लीव जो है वो अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने स्लीव्स अटैच कर लिए हैं अभी। ये देखिए इस तरह से ये हमारी स्लीव जो है वो अटैच हो गई है। अब हम जो है वो इसका फिटिंग का मार्क देंगे, या फिर आप कोई भी अपनी पुरानी ब्लाउज़ इसके ऊपर रख कर जो है इस तरह से फिटिंग का ब्लाउज़ जो आपकी फिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी पार्ट जो है बराबर एक साइड में आने चाहिए, इस तरह से सभी पॉइंट्स एक के ऊपर एक आने चाहिए। इस तरह से जो है वो हमें अभी क्या कर लेना है, यहाँ से अपने फिटिंग के निशान लगा कर इस तरह से जो है हमें ब्लाउज़ की फाइनल फिटिंग जो है वो कर देनी है। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। और एक एक इंच की दूरी छोड़ते हुए जो है हमें दो सिलाई या तीन सिलाई आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से लगा लिया है। तो इसे सीधी साइड को टर्न करने के बाद हमारा ब्लाउज जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो 34 साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ उसकी पेपर कटिंग एंड उसकी स्टिचिंग समझ में आई हो। आई होप यू लाइक इट माई वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी है जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आप मेरे चैनल पर देखेंगे बहुत सारी वीडियो ब्लाउज़ की कटिंग, पेपर कटिंग, बहुत सारे ऐसे वीडियो जो है वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। तो आप एक बार मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।